जी, अली मोहम्मद खान साहब, one of the most liked members on both sides. बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। आज 10 अप्रैल है, बड़ा अहम दिन पाकिस्तान की तारीख़ का। लेकिन आज से मैं बहुत साल पहले आपको ले जाना चाहता हूँ पीछे। 16 अप्रैल 1938 को क़ाइद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी तस्वीर के साए में हम सब बैठे हैं, उनने फरमाया था, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, कोई मफ़हूम इस तरह का है कि अ मुसलमान, अ मुस्लिम इज़ नॉट बाउंड टू गिव अप। इफ़ ही इज़ फोर्स्ड टू बी एनस्लेव्ड, ही विल बिकम बाबर, ही विल इमर्ज एज सुल्तान टीपू, ही विल हैप्पीली एम्ब्रेस मार्टरडम, बट ही विल नॉट एक्सेप्ट स्लेवरी। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है, खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूँ, जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने ग़ुलामी कबूल नहीं की। यहाँ आज आपके चेहरों पे खुशी है, अल्लाह आपको खुश रखे। आज मैंने जिस तरह पहले दिन अपनी ड्यूटी संभाली, तो इमरान खान के एक सिपाही की तरह और रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के एक खादिम के तौर पे आज पार्लिमानी उमूर की मेरी ड्यूटी तमाम हुई। आज का दिन जहां बहुत से चेहरों को खुशी देते हुए जा रहा है, वहां बहुत से सवाल भी छोड़े जा रहा है। मैंने आज ऐवान में मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब को भी देखा, बैसत पार्लिमानी उमूर के वजीर को, मैं उनको वेलकम करता हूं। लेकिन एक सवाल तारीख उनके लिए भी छोड़े जा रही है कि जिस शख्स, जिस मर्द हुर, जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमेरिका ने ईडी और चोटी की जोर लगा दी। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला। मैं तुलू हो रहा हूं, तू गरूब होने वाला। आर्जी नाकामी शिकस्त का मुतबादल नहीं। हम सब मुसलमान हैं और हमारी तारीख भरी पड़ी है। मैं किसी की तरफ कोई तशबीह नहीं देना चाहता, क्योंकि हमने यहां, मेरा ये 9वां साल है इस पार्लिमान में। लेकिन याद रखिए मेरी बात, मैदान करबला में आर्जी शिकस्त जरूर हुई थी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, लेकिन दुनिया उनको याद रखती है। प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज प्लीज नो क्रॉस टॉक। हम सब ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे पर चलना है, बात करने का प्लीज। और आप बर्दाश्त कीजिए, मैं आपके नारे, आपकी हुटिंग, आपकी खुशियां बर्दाश्त की है मैंने। और हम सब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैरोकार हैं। और ये मैसेज हर उस शख्स के लिए जो आज़ादी का पैरोकार है, जो गुलामी के खिलाफ है। आपके दिल में तमन्ना थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत ख़त्म हो। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा, इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, आवाम की ताकत से आएगा, दो तिहाई से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें। हर इमरान खान साहब का गुनाह क्या है? इमरान खान साहब का गुनाह यह है, मेरे छोटे भाई हैं लेकिन लीडर हैं, मैं एहतराम से नाम लूँगा, बिलावल साहब बैठे हैं। बिलावल साहब, इमरान खान साहब का गुनाह यह है कि जब आपके नाना ने आज से सालों पहले इसी इस्लामाबाद में मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, तो उन्होंने एक बार इकट्ठा किया और मेरे लीडर इमरान खान साहब ने 2 महीने में 2 बार इकट्ठा किया अल्लाह ताला के करम से। इसी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने, मैं वहां से देख रहा था, आप हंसते जाएं, आपके हंसने से मेरे हौसले कम नहीं होंगे। मेरे पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, मेरे लीडर के पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं। और हम दुश्मन नहीं हैं, हमने मिलकर पाकिस्तान को बनाना है, लेकिन आपके तरीक़ेकार से हमें इत्तेफाक नहीं। वहां पे इमरान खान साहब ने खड़े होके, जब उन सुन रहे थे, उन्होंने यहां स्पीच करते हुए फरमाया, वक्त साबित करेगा कि कौन असली शेर है। आपके अल्फाज आपको मुबारक हों। वक़ूल लिन्नास हुस्ना, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि हम मुस्लिम ब्लॉक बनाएंगे। इमरान साहब ने मुस्लिम ब्लॉक की बात की, ये उनका गुनाह है। इमरान खान साहब ने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, ये उनका गुनाह है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि रूस सिर्फ बहाना है। जनाब चेयरमैन साहब, मोहतरम अयाज सादिक साहब, कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। इमरान खान का गुनाह ये है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते हुए खत्म नबूवत की बात की, इस्लामिक उम्मा की बात की, मदीना की रियासत की बात की। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने साम्राज्य के सामने खड़े होकर ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। आपने हिम्मत, बसत एहतराम परवेज अशरफ साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे ख्याल में गैलरीज में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम गिलानी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे अपोजिशन लीडर वहाँ पर रहे, आपके साथ सेनेट में मैंने बड़ा काम किया। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, एक वो भी वक्त था, दुनिया ने देखा कि यहाँ पे अमेरिकन बूट्स आए, एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, और एक ये भी वक्त है कि वो वहां मंसूबे बनाते रहे कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिरी तो पाकिस्तान, थिंग्स विल गेट टफ फॉर पाकिस्तान। और ये भी कहते हैं कि हाँ, अगर इमरान खान की हुकूमत गिर गई और अदम एतमाद जो आपने अभी कामयाब की है कामयाब हो गई तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। मेरे चेयरमैन साहब, अल्लाह के 99 नामों के नीचे बैठ के हम माह रमजान में अल्लाह से माफी के खासगार हैं, अमरीका से माफी के खासगार नहीं। लेकिन फिर भी आप जीते हैं, आज हम ग्रेस से बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये मेरी बात याद रखिएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा जनाब चेयरमैन साहब, चलते हैं दबे पांव के कुछ जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव के कुछ जाग न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। दोबारा सुनाऊं, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। जनाब चेयरमैन साहब, मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा। और इमरान खान का आप क्या मुकाबला करोगे? उसका एक सिपाही आपके पीछे खड़ा है अल्लाह के करम से। तो आखिर में जनाब चेयरमैन साहब, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, जनाब चेयरमैन साहब, मेरी दुआ है मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे। मेरी दुआ है कि मुल्क को, पाकिस्तान को मजबूत करते रहे। लेकिन इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कहता है वक़ुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक़ आता है तो बातिल मिटता है और बातिल तो है ही मिटने के लिए। जल्द इमरान खान साहब इंशाअल्लाह आवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे बिराजमान होगा, 2/3 अक्सरियत से होगा। और इंशाअल्लाह इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मेरे करोड़ों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और वोटर्स और सपोर्टर्स को आज की ये डिफेंस, आपका ये खड़ा होना और आपका आज की रेजिस्टेंस मुबारक हो। आज भी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो साम्राज्य के सामने खड़े हैं, जो अमरीका के सामने खड़े हैं, जो यहूद और हनूस के सामने खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।